लोहरदगा जिले के पाखर किस्को से मुखिया पद के प्रत्याशी का गलत ढंग से रिश्वत नहीं देने के कारण रद्द करने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में मनीता नगेशिया पति शनिचरवा किसान ने उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोहरदगा एवं पुलिस कप्तान लोहरदगा को लिखित आवेदन दे दिया है। उन्होंने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि मैं दिनांक 21/4/2022 को पाखर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन की थी। मुझे निर्वाची पदाधिकारी सह अंचल पदाधिकारी ने दिनांक 21 को सभी कागजात सही पाए गए और मुझे चेक लिस्ट भी निर्गत किया गया, लेकिन दिनांक 25 को स्कूटनी के दिन अचानक नामांकन रद्द कर दिया गया। मेरा नाम मनीता नगेशिया है, पाखर पंचायत से। उसमें और आगे जाओ। 21 तारीख को हम लोग फॉर्म जमा किए थे, उसमें सभी कागजात सही से जमा है और 25 तारीख को फिर स्कूटनी के दिन में बुलाया गया। फिर बोला गया कि इसमें आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। किस लिए रद्द किया गया? उसमें फॉर्म 6 नहीं है, उसे बोल के बोले। उसके बाद क्या हुआ? कितना पैसों की मांग की गई? 2-3। क्या मांग किए? 2-3 लाख मांग किए। पैसा नहीं देने के कारण हम लोग का पेपर को रद्द किया गया। और मेरा पत्नी मुखिया प्रत्याशी पाखर पंचायत से उम्मीदवार हैं और इनका नामांकन जो रद्द करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पाखर पंचायत के लिए। और किसको प्रखंड में ये मतलब शुरू दिन जो स्कूटनी हुआ उसमें से पहला उम्मीदवार जो था इसका पेपर को रद्द किया गया है। और रद्द करने का कारण है इसमें हम लोग जो भी पेपर था सारा चीज़ हम लोग दिए हुए थे और सीओ सर का स्कूटनी जो पेपर है वो भी दिया हुआ है रिसीविंग, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई उसमें कमी नहीं पाया गया है और उसके हिसाब से हम लोग आश्वस्त थे। और जैसे ही 25 तारीख को जो मैं स्कूटनी के दिन में बुलाते हैं और उस दिन मतलब नामांकन रद्द होने का सूचना देते हैं और हम लोग भी बोले कि सर यहाँ तो आप कुछ नहीं इसमें दर्शाया है और किस आधार पर आप यहाँ नामांकन को रद्द किए हैं, लेकिन वो बोले कि जो भी है वीडियो बन गया है इसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यही बोले। पैसे को भी मांग हुई थी क्या? हाँ, इसमें मतलब फ़ोन करके मैंने सीओ का जो दलाल है वो हमसे मतलब 2-3 लाख रुपये का मांग किया गया और हमको जहाँ तक उम्मीद है ये पैसा नहीं देने के चलते इसमें नामांकन को रद्द किया गया है। और हम यही चाहेंगे कि चुनाव आयोग से इसके पर मैंने विशेष रूप से इसके टीम गठन करके जांच करके इसको जो भी है उसको हम लोग के फेवर में काम करने का प्रयास किया जाए। जो गलत है उसको गलत होना चाहिए और हम लोग अगर सच्चाई हैं तो हम लोग को सच्चाई है तो चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।